नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज वायर और मैं लेके आ गई हूं आज का इतिहास। तो इतिहास में आज क्या है खास, खिलौने से दो भाइयों ने कल्पना को हकीकत में बदल दिया और फिर दुनिया के पहले हवाई जहाज ने उड़ान भरी थी। अमेरिका के पश्चिमी वर्जीनिया के हटिंगटन शहर के एक बिशप ने अपने बच्चों को एक खिलौना ला कर दिया। खिलौना फ्रांस के एरोनॉटिक साइंटिस्ट अल्फोंसे पेनाउड के आविष्कार पर आधारित एक मॉडल था। ये कागज, रबर और बांस का बना हुआ था। ये वो घटना थी जिसे दो भाइयों की कल्पना को उड़ान मिली। 17 दिसंबर 1903 को इन दोनों भाइयों की कल्पना यथार्थ में जमीन से 120 फीट ऊपर 12 सेकंड के उड़ान भरने में कामयाब हुई। ये दो भाई थे विल्बर और ऑरविल राइट, जिन्होंने पहली बार किसी विमान को उड़ाया था। इस विमान का नाम दोनों भाइयों के नाम पर राइट फ्लायर रखा गया। राइट ब्रदर्स की सफलता के पीछे असफलता की कई कहानियां थी। राइट ब्रदर्स की हवाई जहाज बनाने की कई कोशिशें नाकाम हुई थी, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। दोनों भाइयों ने मशीनी तकनीक की अच्छी जानकारी ली थी। इससे पहले वह प्रिंटिंग प्रेस, मोटरों की दुकानों और अन्य जगहों पर काम कर चुके थे। उन्होंने साइकिल के पुर्जे जोड़कर हवाई जहाज का आविष्कार किया। फ्रांस की एक कंपनी ने दावा किया था कि उन्होंने इसका आविष्कार पहले ही कर लिया था, लेकिन साल 1908 में राइट ब्रदर्स को इसकी मान्यता मिली। इतिहास में आज ही के दिन भगत सिंह राजगुरु ने लाला लाजपत राय की मौत का बदला भी लिया था। पुलिस ने लाला लाजपत राय पर बेरहमी से लाठियां बरसाई थी। उन्हें गंभीर चोट आई और 17 नवंबर 1928 को उनकी मौत हो गई। बात 30 अक्टूबर 1928 की है। इसी साल भारत में साइमन कमीशन आया था। पूरे देश में इस कमीशन के विरोध ने जोर पकड़ा। साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे लग रहे थे। इसकी अगुवाई कर रहे थे लाला लाजपत राय। इस दौरान एक घटना घटी। लाला लाजपत राय के विरोध कर रहे युवाओं को बेरहमी से पीटा गया। पुलिस ने लाला लाजपत राय पर बेरहमी से लाठियां बरसाई। लाठीचार्ज का आदेश सुपरिंटेंडेंट जेम्स ए स्कॉट ने दिया था। लालाजी की मौत के बाद पूरे देश में आक्रोश था। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव और दूसरे क्रांतिकारियों ने मौत का बदला लेने की प्रतिज्ञा की। लाला जी के मौत के एक महीने के बाद यानी कि 17 दिसंबर 1928 का दिन स्कॉट की हत्या के लिए तय किया गया। क्रांतिकारियों के निशाने में चूक की वजह से गोली स्कॉट की जगह असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस जॉन पी सैंडर्स को जा लगी। सैंडर्स लाहौर के पुलिस हेडक्वार्टर से निकल रहे थे, तभी भगत सिंह और राजगुरु ने गोली चलाई थी। पहली गोली राजगुरु और दूसरी गोली भगत सिंह ने चलाई थी। सैंडर्स की हत्या से बौखलाई अंग्रेजी हुकूमत ने इस घटना का दोषी भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को माना और 7 अक्टूबर 1930 को फांसी देने का फैसला सुनाया। भारत और दुनिया में 17 दिसंबर यानी कि आज ही के दिन कुछ और महत्वपूर्ण घटनाएं भी हुई थी, आइए देख लेते हैं। 1398 में मंगोल सम्राट तैमूर लंग ने दिल्ली पर कब्जा किया। 1556 में बादशाह अकबर के दरबार के प्रसिद्ध कवि रहीम का जन्म हुआ था। 1645 मुगल सम्राट जहांगीर की पत्नी नूर जहां बेगम का निधन हुआ था। 1715 में सिखों के प्रमुख बंदा बहादुर बैरागी ने गुरदासपुर में मुगलों के सामने हथियार डाल दिए थे। 1777 में फ्रांस ने अमेरिकी स्वतंत्रता को मान्यता दी थी। 1803 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने उड़ीसा पर कब्जा किया। 1902 में इटली के प्रसिद्ध आविष्कारक मार्कोनी ने पहला रेडियो स्टेशन बनाया था। 1907 में ओगियन वांगचुक भूटान के पहले राजा बने। 1927 में ऑस्ट्रेलिया के सर डॉन ब्रेडमैन ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट के पहले मैच में शतक बनाया। 1933 में क्रिकेटर लाला अमरनाथ ने डेब्यू टेस्ट मैच की दूसरी पारी में शतक बनाया। 1940 में महात्मा गांधी ने 1940 में सत्याग्रह आंदोलन स्थगित किया। 1972 में फिल्म अभिनेता जॉन अब्राहम का जन्मदिन। तो ये था आज का इतिहास। आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और जाते जाते लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज वायर का चैनल सब्सक्राइब करिए, पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाइए ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर, कोई जानकारी लेकर आएं तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो सीबीसी वायर का पेज लाइक करिए। अगर आप इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।